Hey, Anne, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. One, two, three, let's go. Ring. Where are we? Come on, get on another day. Little kid, I'm going to play. Ring, ring, go away. What happened? Oh, I'm feeling sick. Doctor, please don't leave me. Come back. Doctor, please don't leave me. Come back. Doctor, where are you? Come back. Oh, what happened to you? I'm sick. Okay. Stay though. Injection. Show me your button. Oh, don't worry. You will be all right. Doctor, stay with me. Oh, hug me. You will be all right. Thank you. Hi, everyone. अभी बजा है 11 बजे 12 बजने वाला है और आज बहुत ही मन कर रहा है पोर्क खाने का. बहुत दिनों से हम लोग ने नहीं खाया पोर्क और मतलब होजाए में जो कि अवेलेबल नहीं होता है, तो सोचा कि आज हस्बैंड भी फ्री है इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी कुठिया टोली. 24/7 अवेलेबल. 24/7 नहीं, शाम तक रहता है. तो वहाँ पे अच्छा पोर्क भी मिलता है ना कहाँ. सो अभी हम लोग जा रहे, बारिश भी देने वाले हैं. देखो एकदम पूरा क्लाउडी हो गया है. देखते हैं अच्छा पोर्क मिलता है कि नहीं. बहुत दिनों से मतलब कुकिंग व्लॉग नहीं बनाया मैंने, तो सोचा कि मतलब थोड़ा सा मतलब कुकिंग करूँ, हम लोग को दिखाऊँ पोर्क बनाने का कुछ रेसिपी. सिंपल रेसिपी बट लेकिन वेरी टेस्टी. हाँ, भुज जलोकिया के साथ. वेरी क्लोज था फैमिली. ओनली बॉइल्ड. तो चलिए आप लोग भी चलिए हम लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो. तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ ऐसे बातें करके जाना ना कहाँ. ले लिया जो लेना था हम लोग ने यहाँ से. अभी फिर वापस जा रहे हैं फजाई की तरफ. फिर पहुँच के फिर बनाना भी है, उसके बाद खाना भी है. बहुत दिनों के बाद खाएंगे हम लोग. खाने के लिए तो हम हाजिर हैं. आई एम ऑलवेज. वन मंथ जैसा हो गया होगा शायद हम लोग ने पोर्क नहीं खाया. एक्चुअली अवेलेबल नहीं होता है ना वहाँ पे, तो मतलब इजीली नहीं मिलता है. तो हम लोग मतलब इतना टाइम भी नहीं होता है हम लोग को कि मतलब निकल के थोड़ा मतलब ना यहाँ तक आए खरीदे. स्मॉल खाना भी अच्छा नहीं है. साल नहीं, महीने में एक बार खा सकते हैं पोर्क. ज़्यादा खाने से भी अच्छा नहीं है ना कहाँ के लिए. सो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोर्क. पोर्क को हम लोग उसको पीस नहीं करेंगे, ऐसे ही कुकर में डाल देंगे बॉयल कुकर के साथ. उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा. उसके बाद फिर नमक, बस इतना ही. उसके बाद फिर बॉयल होने के बाद इसको कुकर से निकालेंगे. उसके बाद इसका जो है थोड़ा छोटा छोटा करके पीस करेंगे. फिर इसमें डालेंगे हम लोग राजा मिर्चा, हम लोग कार्बी में बोलते हैं बिरिक लोसा. ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है पोर्क बॉयल. तो चलिए फटाफट बनाते हैं, ये बहुत जोर की भूख लगी है. चलो गो.
सो कुकर हमारा रेडी है, मीट जाएगा कुकर के अंदर। इसके बाद इसमें डालेंगे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, फिर नमक, उसके बाद पानी। आप लोगों को लग रहा है कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि हमारा पोर्क बॉईल होने मतलब ये पूरा कुक हो चुका है। तो मैं इसको अभी कुकर से निकालूंगी, उसके बाद फिर ये जो प्याज और हरा धनिया जो है मैं इसमें ऊपर गार्निशिंग करूँगी। पोर्क हमारा बढ़िया से पक चुका है, चलिए इसे अब निकालते हैं। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। फिर इसमें ऐड होगा प्याज, हरा धनिया और बिरिक लोसा यानी कि किंग चिली। सो हमारा पॉक बॉयल हो गया है कंप्लीट, खाने के लिए रेडी। लेकिन लास्ट में एक मैजिक बाकी है और वो मैजिक है ये, हमारे कार्डी में नेम्पो कहते हैं। अब इसे हल्का सा ऐसे ऊपर से ऐसे करेंगे। फिर ओनियन, अब इसको कैसे खाएंगे ये देखिए। तुम्हें पिक अगर आप लोग को खाना है तो आप लोग प्लीज़ घर में इसे बनाइए, बहुत ही सिंपल है। और फिर मैंने एक दूसरा बॉल बनाया है, वो है पॉर्क नहीं, वो है फिश बॉल। देखिए आज डिनर में होगा पॉर्क के साथ साथ प्रॉन फ्राई, उसके बाद हंसरोंग विद नेम्पो और आखिरी में है ये फिश बॉयल। मैंने इसे बिना काटे ही बॉयल किया है, पूरी अच्छी तरह से साफ करके। ये देखिए पूरा का पूरा अच्छे से पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए फिश बॉयल के साथ मैं ऐड करूंगी धनिया कटा हुआ, उसके बाद ऑनियन चॉप किया हुआ, फिर लास्ट में आपका जाएगा नमक। बस इतना ही काफी है।
Yeah, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. One, two, three, let's go. Да, бом 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 бом. Yes. Okay. Ini jaga papa. Yeah. Kaidam pada. Let's go plum bro. Let's go plum. Yeah. Wow. आज मैंने और सरहान ने आप लोगों के लिए एक सुरीला प्यारा सा रोमांटिक गाना आप लोगों के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है. सो आई होप आप सबको पसंद आएगा मेरे प्यारे प्यारे मिक्सिक फैमिली मेंबर्स. सो गाना इस तरह से स्टार्ट करते हैं. खबरें एक पल चल
इजाजत चाहूंगी। तो तब तक के लिए हमेशा की तरह हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुद जियो औरों को भी जीने दो। सरहान और मेरे तरफ से यानी